तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि iPhone 10 US के अंदर अपडेट करते समय ब्लास्ट हो गया। आप लोगों को पता है iPhone के लेटेस्ट फोन्स iPhone 10s, 10s Max और 10R आउट ऑफ द बॉक्स iOS 12 के साथ आते हैं, बट कुछ कपल ऑफ वीक्स पहले एप्पल ने iOS 12.1 रिलीज़ कर दिया है। तो यार ये कुछ कंपेटेबल डिवाइस में अभी अपडेट हो रहा है। तो यार न्यूज़ आज सामने आती है, न्यू इंसिडेंट सामने आती है। मोहम्मद ने एक फ़ोटो पोस्ट की है iPhone 10 के एक्सप्लोजन की। तो यार ये पता चलता है मोहम्मद ने लास्ट जनरेशन iPhone 10 परचेज़ किया था 2018 में। तो यार ये पता चलता है मोहम्मद ने बताया अपने इस न्यूज़ में कि वो 12.1 पे अपडेट कर रहा था और वो भी चार्जिंग के टाइम पे। तो यार फ़ोन 45% कि बैटरी के कम होने के कारण तो वो चार्जिंग में लगा के फ़ोन को अपडेट कर रहा था, तो इस वजह से छोटी सी स्मोक आने के बाद कपल ऑफ मिनट के अंदर वो आग पकड़ लिया। तो यार जब सर्विस सेंटर गया मोहम्मद तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया एप्पल ने और फिर वही सारी बताई, क्योंकि ऐसा कहीं और न्यूज़ नहीं आ रहा है एप्पल iPhone 10 के तरफ से। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि प्लीज़ हमारे ओरिजिनल एसेसरी यूज़ कीजिए और उसको रिपेयर नहीं बट फ़ोन को न्यू करके दे दिया। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। एंड हाँ, फ़ोन रडार के इस वेबसाइट को भी जाके पढ़िए, यहाँ पर भी अच्छे न्यूज़ आते हैं। मैं भी यहीं से ये न्यूज़ लिया हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।